खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर पंजाब से। मोगा में जनता टीवी की खबर का असर हुआ है, खबर दिखाने के बाद जागी है कैप्टन सरकार। गरीब पहलवान बेटियों को, यहां पर उनकी बेटियों की खबर हमने दिखाई थी, पहलवान बेटियों की मदद के लिए आगे आए हैं कांग्रेस विधायक। कांग्रेस विधायक हरजोत कमल ने मदद का आश्वासन दिया है, सोमवार को खिलाड़ियों से मिलने जाएंगे हरजोत कमल। हरजोत कमल ने बेटियों को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। तो जनता टीवी की खबर का यहां पर असर हुआ है। आपको बता दें मोगा की तस्वीरें हमने दिखाई थी, खिलाड़ियों का हाल दिखाया था कि किस तरीके से बदहाली में जीने को मजबूर हैं, और खिलाड़ी जो कि देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं वो किस तरीके से खेतों में काम करने को मजबूर हैं। तो इस पर पहलवान बेटियों की मदद के लिए आगे आए हैं कांग्रेस विधायक हरजोत कमल, इन्होंने मदद का आश्वासन दिया है। जनता टीवी अते होर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के अखबारों के विच खबर छपी सी कि धूरकोट नानसी कला अखाड़े दियां कुड़ियां झोना लाउंदियां होईयां। इत्थे दसना बड़ा जरूरी है कि यही वाकई बहुत गरीब घरां दियां मजदूर घरां दियां लड़कियां ने। तिकर सहूलतां दी गल हैगी है, बिजली पानी की गल है, क्योंकि यह अखाड़ा सरकारी स्कूल रणसी कलां विच चल रहा है। तो मैं सोमवार को उत्थे स्कूल खुलणगे, तो मैं उन्होंने प्रिंसीपल नूं मिल के तो वह बिजली पानी की जिहड़ी समस्या वह भी हल करावांगे। जिथों तिकर कैश प्राइज़ की समस्या नवजोत कौर ने जो दसी हैगी है, वह भी जे ना जो पता किया तो वह IFSC कोड गलत ना होने करके वो अकाउंट च पैसे नहीं आए, वह सही करके असी डिपार्टमेंट भेजता, तो डिपार्टमेंट ने बैंक में भेजता, तो मोस्ट प्रोबेबली अज या कल वो अकाउंट के कैश प्राइज़ भी आ जाएगा। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में विपिन ओंकारा जुड़ चुके हैं, संवाददाता हैं हमारे। विपिन, हरजोत कमल ने आश्वासन दिया है मदद का। पूजा जी, मैं कहूंगा कि कल जो हमने जनता टीवी पर एक जो गांव रणसी कला के खिलाड़ियों की जो खबर चलाई थी जी, उसको देखते हुए आज हमने जो बात की है MLA से बात की है, और अभी हमारी जो है जिला खेल अधिकारी से बात हुई है। जो अभी हम बाइट दिखा रहे थे वो जिला खेल अधिकारी की बाइट थी, तो जिला खेल अधिकारी बाइट ने भी कहा कि मैंने जनता टीवी पर खबर चलती देखी है, तो इसके लिए मैं जो सोमवार को वहां पे जाऊंगा और सभी खिलाड़ियों से मिलूंगा, और जो जो भी उनकी समस्याएं हैं वो सभी मौके पर जाके मैं हल करवाऊंगा। दूसरी ओर जब हमने MLA हरजोत कमल से बात की, क्योंकि ये जो एरिया है धूरकोट रणसी कलां ये पड़ता है निहाल सिंह वाला, और निहाल सिंह वाला में जो है आपके मनजीत सिंह जो है वो MLA है वहां के, तो उनसे भी आज हमने फोन पर बात की, तो वो यहाँ पे नहीं थे, वो दिल्ली में मीटिंग में गए हुए हैं। लेकिन मोगा के MLA हरजोत कमल ने हमें ये पूरा आश्वासन दिया है, और उन्होंने जी जनता टीवी के थ्रू ये भी अपील की है कि वो पूरी की पूरी जो भी लड़कियों की सहायता बनती है वो पूरी सरकार से करवाएंगे जी। जी, एक तरफ विपिन किरण रिजिजू आज हॉस्टल में पहुंचे थे खिलाड़ियों की जो है जानने के लिए कि क्या कुछ व्यवस्था है, उन्होंने कोच से भी बातचीत करी थी, आश्वासन दिया था कि खिलाड़ियों की हर संभव मदद सूबे में की जाएगी। दूसरी तरफ मोगा की इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि दुराव क्यों है। जी बिल्कुल सही बात है, ये दुराव को किया जा रहा है, लेकिन आज जो MLA साहब ने बात की है कि पंजाब सरकार खिलाड़ियों के लिए पूरा ध्यान दे रही है और सभी सुविधाएं जो है उनको उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने कहा कि जो भी पीछे कुछ हुआ है उसके बारे में तो उन्होंने कुछ बता रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी खिलाड़ियों के साथ जो भी समस्याएं उनके जिले की जो होगी वो उनको पूरा हल करवाएंगे जी। जी विपिन, आपने इन खिलाड़ियों से बात करने की कोशिश करी, खबर का असर हुआ है, आश्वासन मिला है, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया सामने आई? खिलाड़ियों से बात हुई है फोन पे, तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मदद करती है तो वो बहुत खुश है। उनका कहना है कि हम देश के लिए खेल रहे हैं, पंजाब के लिए खेल रहे हैं, और अगर पंजाब सरकार नीति खेल की अच्छी बोल रही है कि पूरी नीति अच्छी की जा रही है, तो उन्हें भी हौसला मिलेगा कि अगर सरकार उनके लिए कुछ करेगी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। ताजा अपडेट पर लगातार नजर बना करके रखिए, क्योंकि बात तो देश के सम्मान की है, बात खिलाड़ियों के सम्मान की है, और जनता टीवी खबर दिखाए और असर ना हो ये हो ही नहीं सकता। हम आपकी ताकत हैं और आप हमारी प्राथमिकता हैं। जी हां, मोगा की खबर हमने दिखाई और असर
टीवी स्क्रीन पर है। असर आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के विधायक हरजोत कमल ने साफ तौर पर कहा है कि वो हर संभव मदद की कोशिश करेंगे। यहां पर हरजोत कमल ने आश्वासन दे दिया। आप देखना यह होगा कि क्या ये आश्वासन समयबद्ध होता है। अब जनता टीवी का सवाल सूबे की सरकार से यही है कि आश्वासन को पूरा कीजिए, क्योंकि खिलाड़ी ज्यादा बाट नहीं जो सकते। वो आपके लिए देश का मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन खेतों में काम करने को मजबूर हैं। आखिरकार उनकी बदहाली की तरफ नजर कौन करेगा? सूबे की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो कांग्रेस के विधायक हरजोत कमल ने साफ तौर पर आश्वासन दिया है कि उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी हर संभव मदद की। जनता टीवी की खबर का असर हुआ है तो मोगा की तस्वीरें, मोगा की हमने स्टोरी दिखाई थी कि किस तरीके से जो खिलाड़ी हैं, पहलवान बेटियां हैं, वो किस तरीके से देश का मान तो उन्होंने बढ़ाया, लेकिन अब वो खेतों में काम करने को मजबूर हैं। ऐसे में जो उनकी प्रोत्साहन राशि है वो भी उन्हें नहीं मिल पा रही थी। प्रोत्साहन राशि को लेकर के हमारे संवाददाता ने बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आईएफएससी कोड में लेकर के कुछ दिक्कत है, उसको ठीक कराया जाएगा और उसके साथ में फिर उनकी प्रोत्साहन राशि उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो जनता टीवी लगातार ये अपील कर रहा है सूबे की सरकार से कि इन खिलाड़ियों की सुध लीजिए, क्योंकि ये वही खिलाड़ी हैं जो आपके सूबे के साथ साथ पूरे देश का मान बढ़ाते हैं। इनके सम्मान का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, सूबे के सरकार की जिम्मेदारी है। तो मोगा की खबर जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाई कि किस तरीके से पहलवान बेटियां बदहाली में जीने को मजबूर हैं। उसके बाद हमने क्षेत्र के विधायक से बातचीत करी, उनका साफ तौर पर कहना था, उन्होंने एक्सक्यूज दिया कि एनआरआई से मदद ली जा रही है, बात में टालमटोल करते नजर आए। हमारे संवाददाता ने भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करी, दिल्ली में मौजूद हैं वो इस समय, लेकिन कांग्रेस के विधायक हरजोत कमल का खुद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा अपनी जानकारी देने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। हरजोत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी मैम, नमस्ते जी। जी हरजोत जी, क्या कहना है मोगा से जो तस्वीरें सामने आई हैं बदहाली की खिलाड़ियों की, इस पे अब क्यों सुध ली गई, इतना समय क्यों लगा खिलाड़ियों की सुध लेने में? मैडम, उसमें पहले तो ये है कि आपको बता दूं कि मोगा में चार कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट मोगा में। जी बिल्कुल। एंड दैट एकेडमी डोंट फॉलोज इन माई, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो नहीं है। जी। वहाँ जो विधायक से आपने बात की, जिनकी आप बता रहे थे कि उन्होंने कहा एनआरआई से मदद ले रहे हैं, जी। वो लेकिन मेरे से आपके जनता टीवी के माध्यम से मेरे से बात हुई और मैं आपको भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपका टीवी चैनल जो है अच्छे अच्छे मुद्दे लोगों के सामने लेके आता है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जितनी भी स्पोर्ट्स के अकेडमीज हैं, ये लड़कियां बहुत गरीब परिवार से धान लगाती थी, लेकिन सरकार की जो पॉलिसी आई है पंजाब सरकार की, उसमें काफी खिलाड़ियों के लिए हमने अच्छा किया है। और हमारे जो मंत्री साहब हैं, हमारे पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी साहब, वो आप एक शूटिंग के वो शूटर्स हैं, वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया हुआ है, इसलिए ही उनको पता है खिलाड़ियों के दर्द का और उनके काम का। जी बिल्कुल। अब उन्होंने किया है, अगर ये समर जो कैंप है, समर की जो छुट्टियां हैं बच्चों की, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हरेक बच्चे को 100 रुपया रोज का पर बच्चा मिल रहा है अब पंजाब में। लेकिन हरजोत जी, हम जनता टीवी ने यह मान लिया कि सरकार की तरफ से, सूबे की सरकार की तरफ से कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, लेकिन अगर वो इनिशिएटिव्स किताबों में दर्ज रह करके रह जाए, कागजों में ही रह जाए, खिलाड़ियों तक ना पहुंच पाए, तो गलती किसकी है? मैडम, आप पहले आप पता करो, 100 रुपया एक खिलाड़ी का पर डे मिल रहा है। आप किसी भी तरह से अपने टीवी माध्यम से जाके पता करो उन बच्चों को। मेरे यहाँ मोगा में भी कैंप लगा हुआ है बास्केटबॉल का, उनको भी मैं शुरू करवा के आया हूँ, उनको भी 100 रुपया पर जो है खिलाड़ी वो पंजाब सरकार दे रही है। और इनके इनाम भी बहुत जो है
नेशनल के, स्टेट के, और जो हरजोत जी सवाल यहाँ पर 100 रुपए पर खिलाड़ी का नहीं है, गेम खेल के आए हैं हरजोत जी, सवाल यहाँ पर 100 रुपए पर खिलाड़ी का नहीं है, सवाल यहाँ पर ये है कि नेशनल लेवल पर किसी पहलवान ने, किसी खिलाड़ी ने, एक तो बेटियां बहुत ही मेहनत करने के बाद इस स्तर तक पहुंच पाती हैं, उसके बाद उनको उनकी प्रोत्साहन राशि ना मिल पाए, तो जिम्मेदारी आखिरकार किसकी बननी चाहिए? यहाँ पर सवाल 100 रुपए प्रति खिलाड़ी का नहीं है। नहीं मैम, सरकार तो अपनी तरफ से हर हीला कर रही है, उनका जो डेली का खर्चा है, उनके जो डाइट है, उनके पैसे दे रही है। हमारे पंजाब में स्टेट के जो इनाम है, नेशनल के इनाम है, कॉमनवेल्थ और दूसरे सभी के नाम की राशि बहुत बढ़ाई है। पहले 25 लाख के करीब मिलता था एक बच्चे को, गोल्ड मेडल वाले को, इस बार 1 करोड़ रुपया मिला है उन बच्चों को जो जीत के आए हैं, आउट ऑफ, जो नेशनल से बाहर जाके आए हैं, आउट ऑफ कंट्री जाके, चाहे कॉमनवेल्थ है। और मैं उस समारोह में था एज इट इज, जब उनका अनाउंस किया ना, और साथ के साथ उनकी फोन पे उनको बोला चेक कर लो उनके खाते में पैसे चलेंगे। तो दिस ऑल इज बीइंग डन बाय द पंजाब गवर्नमेंट, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बात कहने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि अगर कहीं कोई कमी है तो वो विधायक मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे पास ही उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, मैं उनसे मैं भी बात करूंगा, और मैंने अभी अपने स्पोर्ट्स अफसर से भी बात की थी, तभी आपके चैनल के जो कैमरामैन थे और वो मेरी इंटरव्यू लेने आए थे उनके सामने ही बात की। मंडे को मैंने स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर को भी बुलाया है और मैं खुद भी वहां जाके आऊंगा स्पोर्ट्स अकेडमी में, और जो भी हो वो मैं, इसलिए मैं एनआरआई का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, वो अपने पंजाब के लिए, अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ। एक आखिरी सवाल है, ये मुद्दा मेरे ध्यान में लाया है, मैं इसको बड़ी गंभीरता से। हरजोत जी एक आखिरी सवाल है जनता टीवी का आपसे कि क्या इस आश्वासन को आप समयबद्ध कर सकते हैं? मैडम ये जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनके पास एनआरआई डिपार्टमेंट भी है, वो शायद 1-2 दिन में बाहर से आएंगे, मेरे को परसों ही मेरी बात हुई, वो इंग्लैंड में थे, तो एज सून एज ही विल कम, एंड मैं आपको इतना अश्योर कराता हूँ कि दिस मैटर विल बी सॉल्व इन विद इन फ्यू डेज। मैं आपको कोई झूठा आश्वासन या कोई झूठी डेट नहीं दे रहा हूँ। आपके जनता टीवी वाले मेरे जी, पास जनता टीवी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है और ये उम्मीद भी करता है कि सूबे की सरकार इस पर इनिशिएटिव ले और खिलाड़ी जो है वो संतुष्ट नजर आए, क्योंकि खिलाड़ी देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हरजोत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय साझा करने के लिए। हरजोत कमल हमारे साथ जुड़े, विधायक हैं मोगा के, इनका साफ तौर पर कहना है कि सूबे की सरकार हर संभव कोशिश करेगी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।